जो 100 पाउंड अपने आप को ऊंची जाति के लोग कहते थे, वो लोग दलितों के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे। इतना अत्याचार कि उसके पीछे में झाड़ू बांध दिया जाता था कि जब आप सड़क से गुजरेंगे तो आप अपनी सफाई खुद करते हुए चलेंगे। आगे मटका बांध दिया जाता था कि आप सड़क पर जो है वो थूक नहीं फेंकेंगे, अपना थूक अपने ही ऊपर फेंकना। कई सारी जगहों पर दलितों को ब्राह्मणों के या ऊंची जाति के लोगों के मोहल्ले से चप्पल पहन करके नहीं गुजरने दिया जाता है। हम लोग आएंगे 341 पर भी, 1950 में हुआ, उससे पहले पढ़ते जाएंगे हम लोग। कि कई बार आप आमतौर पर सुनते होंगे कि यार इस्लाम मजहब में मुसलमानों में कहाँ जात पात, कहाँ, हमारे यहाँ तो सब लोग बराबर है। इस्लाम में तो एक शेर बहुत मशहूर और सब लोग हर जगह बोल देते हैं, है ना, कि ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, है ना, सब लोग बराबर है, देखिए सब में खड़ा हो गए। लेकिन ऐसा नहीं रहा। हम लोग थोड़ा पीछे जाएंगे आज़ादी से पहले। भारत में दलितों के ऊपर तथाकथित, या ये कह दिए कि जो 100 पाउंड अपने आप को ऊंची जाति के लोग कहते थे, वो लोग दलितों के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे। इतना अत्याचार कि उसके पीछे में झाड़ू बांध दिया जाता था कि जब आप सड़क से गुजरेंगे तो आप अपनी सफाई खुद करते हुए चलेंगे। आगे मटका बांध दिया जाता था कि आप सड़क पर जो है वो थूक नहीं फेंकेंगे, अपना थूक अपने ही ऊपर फेंकना। आज भी आप लोग, अब तो क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का, आज देखते होंगे आप कि साउथ के अभी भी जो सबसे ज़्यादा जो ब्राह्मणवाद कहीं अगर बचा हुआ है तो वो साउथ के ब्राह्मणों ने बचा हुआ है। तो वहाँ पर आज भी 21वीं सदी में भी कई सारी जगहों पर दलितों को ब्राह्मणों के या ऊंची जाति के लोगों के मोहल्ले से चप्पल पहन करके नहीं गुजरने दिया जाता है। तो यहाँ पर जो शोषित समाज के लोग थे, अछूत लोग थे, उन लोगों ने देखा कि इस्लाम मज़हब ऐसा है जिस मज़हब में छुआछूत नहीं है, गैर बराबरी नहीं है। वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि सब भाई भाई हैं, सब बराबर हैं, एक साथ मिल करके हम नमाज़ें पढ़ सकते हैं, हर किसी के बगल में बैठ सकते हैं, हर किसी का झूठा खा सकते हैं, तो इससे बढ़िया मज़हब हो नहीं सकता है। और वो लोग जो हिंदू मज़हब में सताए जा रहे थे, जिन पर जुल्म हो रहा था, वो उस जुल्म से बचने के लिए, अपनी जानवर जैसी ज़िंदगी से बचने के लिए, इंसानों वाली ज़िंदगी माने के लिए, उन लोगों ने क्या किया, इस्लाम मज़हब को कबूल किया। इस वक्त भारत में लगभग 25 करोड़ मुसलमानों की आबादी है। उस 25 करोड़ मुसलमानों की आबादी में से लगभग 22 करोड़ जो मुसलमान हैं वो दलित मुसलमान हैं, जो इसी भारत के थे, यहीं के थे, और हम सब लोगों ने धर्म परिवर्तन करके इस छुआछूत से, जानवरों वाली ज़िंदगी से बचने के लिए हमने इस्लाम कबूल किया था, हमारे बाप दादाओं ने किया था। लगभग इस वक्त जो 25 करोड़ मुसलमानों की आबादी है उसमें से 22 करोड़ मुसलमान जो है वो कन्वर्टेड हैं। 10% लोग ही मज़हब को लेकर के हिंदुस्तान में आए थे इस्लाम फैलाने के लिए, और कुछ लोग सत्ता की लालच में आए थे। उन लोगों से बढ़ करके अब जो है वो लगभग 3 करोड़ उन लोगों की आबादी है। अब मुसलमानों में जो है वो 3 कैटेगरी बनी। लगभग यहाँ पर सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में इस चीज़ का जिक्र किया गया है, 3 तरीके के मुसलमान भारत में हुए, अशराफ मुसलमान, अजलाफ मुसलमान, अरजाल मुसलमान। अशराफ मुसलमान वो हैं जो बड़ी जाति के लोग इस्लाम मजहब को कबूल किए, अजलाफ मुसलमान वो हैं जो OBC के लोग थे, अरजाल मुसलमान वो हैं जो अछूत हिंदुओं में से कन्वर्ट होकर के इस्लाम मजहब को कबूल किया। इन जो अजलाफ और अरजाल मुसलमानों की आबादी है इस वक्त वो 22 करोड़ है। 25 करोड़ में से 22 करोड़ आबादी जो है वो हमारी है। अब फिर ये हुआ कि भाई मुसलमान तो ये जो लोग थे अछूत कहे जाने वाले लोग, इस्लाम मजहब को कबूल किया इसलिए कि हम चीज़ों से बच जाएंगे। हमारी बदकिस्मती ये रही कि इस कन्वर्जन के बाद फिर कुछ बड़ी जाति के लोग जो अछूत लोगों पर जुल्म किया करते थे, फिर अब उनके मन में लालच जगा, उन्होंने देखा कि ये तबका है जो बड़ा खुश रह रहा है। अब क्या हुआ, उसके बाद फिर बड़ी जाति के लोगों ने फिर जो है वो मजहब तब्दील करके इस्लाम कबूल कर लिया, सिर्फ इसलिए कि सत्ता की लालच थी, फिर से उनको हमारे ऊपर हुकूमत करना था। अब दोबारा से जिस चीज के डर से हम भागे थे दोबारा से हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए।
और फिर से वो जाति सिस्टम हमारे यहाँ अब मुसलमानों में फिर से जाति सिस्टम हो गया, बड़े लोग भी आ गए जो पहले हम पर रूल करते थे दोबारा यहाँ आ गए, फिर यहाँ पे जाति सिस्टम इतना परवान चढ़ा कि अंग्रेजी हुकूमत ने हम लोगों को, जो लोग अछूत हिंदू थे, जिन लोगों ने इस्लाम मजहब को कबूल कर दिया था जुल्म से बचने के लिए, उन लोगों ने देखा कि दोबारा से इन लोगों ऊपर वही मामला है। तो अंग्रेजी हुकूमत के जमाने में जो दलित मुसलमान थे उनको रिजर्वेशन मिलता था। 1950 में जब वो काला दिन, जिस दिन राष्ट्रपति का अध्यादेश पास कर दिया गया और दलित मुसलमानों को रिजर्वेशन से महरूम कर दिया गया, उस दिन तक भारत में दलित मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलता था। अब क्या हुआ उसके बाद, हमारे जो लोग थे, क्योंकि पहले से भी हम तालीमी मैदान में बहुत पीछे थे, हमारे जो लोग थे, अब क्या हुआ, इस्लाम के नाम पर एक तो देश का बंटवारा हो गया। देश के बंटवारे के वक्त में एक बड़ी दिलचस्प बात है कि देश के बंटवारे के वक्त में भी और आजादी के लड़ाई में भी भारत के जो दलित मुसलमान है, जो लड़ाई लड़ी, आप कहानियां सुनते हैं, तकरीरें सुनते हैं, उस आजादी की लड़ाई में जो मुसलमानों का पार्टिसिपेशन था, उसमें जो बड़ी तादाद थी या जो लोग फ्रंट पर जाकर के लड़ रहे थे, वो भारत के दलित मुसलमान थे। क्योंकि उनको पता था कि ये मुल्क हमारा है, हम यही के हैं, असल में जो मूल निवासी है वो हम हैं, इसको बचा करके रखना जो है, इसकी बका जो है, वो हमारे लिए इज्जत का सवाल है। तो आजादी के लड़ाई में भी जो मुसलमानों की जो तादाद थी वो दलित मुसलमानों की थी ज्यादा। आप सर्वे करवा लीजिए, आप जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। उसके बाद फिर क्या हुआ, मुल्क आजाद हो गया, 1985 में मुसलमानों को जो है दलित मुसलमानों को रिजर्वेशन से बाहर कर दिया गया। अब क्या हुआ, हमारे ऊपर जो तथाकथित, मैं तो ये कहूंगा कि मुस्लिम ब्राह्मणों ने क्या किया कि हमें अब जो है वो धर्म का पाठ पढ़ाना शुरू किया, और हम सब लोग उनके जलसों में, उनके जो है वो ईदगाहों में, उनकी तकरीरों में इतना उलझे कि हमारा जो बुनियादी मसला था, जो हमारी पहचान थी, उस पहचान को हमने खो दिया। हर जमाने में एक आध मुजाहिद निकले। मैं सलाम पेश करता हूँ डॉक्टर एजाज साहब को, उन्होंने इस मुहिम को जो है वो अब तक आज़ादी के बाद से जितना ये मुहिम मजबूत हुआ, इस चीज़ को लेकर के कई सारी मुहिम शुरू हुई, कई सारे लोगों ने शुरू किया, लेकिन वो इतना दूर इतना लंबा लेकर के नहीं चल सके। और लेकिन ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के बैनर तले जो है ये मुहिम आज पूरे देश भर में परवान चढ़ रही है, जिसके लिए मैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के तमाम जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये मुहिम जो है दोबारा से शुरू हुआ आज़ादी के बाद। 1950 के बाद क्या हुआ, हम लोग जो है वो मुसलमान हो गए। हिंदू मजहब में जो अछूत हिंदू थे, दलित हिंदू थे, उन लोगों ने अपनी हक की लड़ाई शुरू की। आज उसका रिजल्ट देख रहे होंगे कि आप उत्तर प्रदेश में यादवों की सरकार, हरियाणा में यादवों की सरकार, बिहार में यादवों की सरकार, पूर्वी की सरकार, कई सारे बड़े जो है वो दलित नेता पैदा हो गए। पर आज जो है वो तथाकथित ब्राह्मण समाज जो है वो उन लोगों के पीछे होते हैं, बल्कि ये कह दीजिए कि हर आदमी में ये होड़ लगा हुआ है कि नहीं, मैं दलित हूँ, मैं अति पिछड़ा हूँ। इस चीज का होड़ कहीं नहीं लगा हुआ है कि मैं ब्राह्मण हूँ। हमारे यहाँ क्या हुआ, इतना दबा करके रखा गया कि आज अगर कोई आदमी आप गुलाम सरवर साहब ये कह दे कि हम लोग दलित मुसलमान है, हमारा हिस्सा नहीं है, फौरन उनका गिरेबान पकड़ लिया जाएगा। अरे यार, तुम मुसलमानों में इत्तेहाद खत्म कर दोगे, तुम मुसलमानों में इत्तेफाक खत्म कर दोगे, तुम यार मुसलमानों को बांटना चाहते हो, वैसे ही मुसलमान बड़े परेशान है। उन लोगों से पूछने की जरूरत है कि हमारी पहचान को जिस दिन खत्म कर दिया गया और आज हम विलुप्त होते जा रहे हैं, आपने कितनी बार हमारी लड़ाई लड़ी। सिर्फ दो जगह पर मुसलमान भाई भाई है, सिर्फ दो जगह पर, एक चंदा लेने के टाइम में, दूसरा वोट के टाइम में। इस दो जगह के अलावा बता दीजिए कि कहां पर मुसलमान भाई भाई है। मुझे बता दे कोई आदमी कि कितने सैयदों ने, कितने पठानों ने पमड़िया की बेटी से शादी किया। इस्लाम में तो जाति सिस्टम नहीं है, सब ये कहते हैं कि मुसलमान बराबर बराबर हैं। तो बताइए कि इन जो मुस्लिम मठों में लोग बैठे हुए हैं, कितने साहबों के बेटों ने, कितने लोगों के बच्चों ने, कितने लोगों ने अपनी बेटियों की शादी किसी नट के बेटे से कर दिया, कितने लोगों ने अपने भाइयों की शादी किसी पटकों के बेटी से कर दिया, नहीं क्या? आप सिर्फ दो जगह पर मुसलमानों को ये कहते हैं कि हम मेरे भाई हैं, हम मुसलमान मुसलमान भाई हैं, कलमे के बुनियाद पर भाई है, एक चंदा लेने के वक्त में,
दूसरा वोट के वक्त में, तीसरा जगह किसी को सवाल होगा मेरे से बाद में पूछ लिया कि तीसरी जगह भी करते काम तेरे भाई। आज भी जिस तरीके से हिंदुओं के यहाँ मंदिरों में तमाम मठों में ब्राह्मण समाज के लोग बैठे हैं, मैंने बताया अभी पहले कि मुसलमानों में ब्राह्मण कहाँ सा है, सत्ता करने के लिए आए थे, सत्ता के लालच में आज भी कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा, अकेले में सोच लीजिएगा, जितने आपकी मुस्लिम मिलनी पड़ी तंजीमें हैं, जितना मुस्लिम मठ कह दीजिए, उन तमाम जगहों पर सैयदों और पठानों का कब्जा, एक भी पसमानदा मुसलमान या दलित मुसलमानों का जगह नहीं दिखेगा आपको। आप अगर बोल दीजिएगा तो आपको अगला दिन ही इतना दबा दिया जाएगा, या ये कह दिए कि कुछ दिनों में आपको ऐसा कर दिया जाएगा, ऐसा माहौल बना दिया जाएगा, जैसे लगेगा कि आपका ईमान जो है आप खारिज हो चुके हैं ईमान से। ईमान जो है ना वो हमारा जाती मसला है, मेरा और अल्लाह का मामला है, आप मेरे ईमान पे सवाल मत करिएगा।